हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि है हमारे पास वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स इन वर्ल्ड। आज हम एमएस वर्ल्ड की बात करेंगे कि एमएस वर्ल्ड के अंदर हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास शेप होगी पेंट के लिए, जैसे हम पेंटिंग वगैरह में भी पेंट करते हैं, इसी तरह से एमएस वर्ल्ड में भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर वर्किंग विद स्पेस। ये जो हमारे पास आपने जैसे ही एमएस वर्ल्ड ओपन करते हैं, एमएस वर्ल्ड ओपन करने से आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऊपर टूल्स आते हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ये हमारे पास कुछ इस तरह से व्यू हो गया, इस तरह से इंसर्ट में हमारे पास ये सभी मेन्यू आ जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जैसे ही हम ओपन करते हैं होम पे, तो हमारा स्क्रीन का सारा रेजोल्यूशन दिखाएगा कि हमारे स्क्रीन में क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं। पेज सेटिंग के बारे में करना है तो व्यू में जाएंगे, और हम अगर शेप वगैरह को यूज करना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट में यूज करेंगे। तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे इस तरह का चार्ट जो है ओपन हो जाएगा। इस तरह का चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह का चार्ट जो है हमारे पास स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो जिसके अंदर से हमने क्या करना है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड ये एक्रोड, ये हमारे पास सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ से ये आपको इंसर्ट दे रखा है, क्लियर हो रहा है सभी को, ये हमारे पास इंसर्ट दे रखा है यहाँ पे। इंसर्ट में जाने के बाद ये इस तरह से टूल हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे ये टूल ओपन होगा तो हमें यहाँ पे शेप दे रखी है, ओपन होने के बाद ये आपको यहाँ पे शेप दे रखी है। हमने क्या करना है, इस शेप पे जाना है। शेप पे जाने के बाद यहाँ से हमारे पास इस तरह की शेप जो है ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर शेप स्मार्ट का आर्ट आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, हाइपरलिंक बुकमार्क आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से ओनली शेप को ओपन कर लेना है। शेप ओपन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार के काफ़ी सारे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है, मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगुलर इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाएगा। अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए आपने ये इंसर्ट किया है, या फिर ये एरो की भी इंसर्ट की है, या डिजाइन ड्रम इंसर्ट किया है, तो हर एक टाइम में ये डिजाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी इसके अंदर से डिजाइन बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये शेप देने के लिए होता है। मान लीजिए हमने एक मैटर लिया है, मान लीजिए इस मैटर को हमने एक बॉक्स में करना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर का। क्लियर हो गया सभी को? तो इसके बाद हम यूज करेंगे आगे आगे चलते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के साथ ही हमारे पास ये इस तरह का टूल जो है ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ये इस तरह के टूल जो है हमारे पास वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये टूल ओपन होगा तो हमें यहाँ पे वही शेप दिखा रहा है फिर से, लेकिन यहाँ पे कुछ कलर दिखा रहा है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इस कलर को ओपन कर लेना है। कलर को ओपन करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से ये चार्ट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चार्ट को, ये हमारे पास आ चुका है इस तरह से। जैसे ही इस तरह से हमारे पास ओपन होगा तो हमने क्या करना है, इसके अंदर से जिस शेप, जो भी हमने शेप दी है, उस शेप के अंदर से हमने कोई भी कलर फिलअप कर लेंगे। यहाँ से कलर फिलअप करने के बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। मान लीजिए हमने रेक्टेंगुलर शेप को ये कलर दे दिया, मैरून कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ब्राउन कलर, हमने यहाँ पे इसको ब्राउन कलर दे दिया। ये जैसे आपकी चॉइस है, आप रेड दे सकते हो, ब्राउन दे सकते हो, येलो दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो, ब्लैक भी दे सकते हो, ठीक है जी, ग्रे भी दे सकते हो आप, हर एक चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने ये जो है इस तरह से यहाँ पे कलर इसको फिलअप करा दिया है। आगे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर को क्लिक किया है तो हमने उसी के अंदर से ये कलर जो है इसमें
फिलअप कर लिया है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। आगे इसमें आ जाएगा हमारे पास स्टाइल्स। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टाइल्स, मान लीजिए मैंने एक आउटलाइन ली है, सपोज कीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया है। रेक्टेंगुलर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको मान लिए थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मिस इसकी विथ को हम बढ़ा देते हैं, मतलब ये हमने एक बॉक्स को डार्कनेस कर दिया है, मतलब पहले थिन था अब इसको हमने थोड़ा और मोटा कर दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो उसको, ये हमारे पास यहाँ पे जाने के बाद ये शेप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। और ऊपर हमें शेप लेनी है, शेप में और कलर आ जाएंगे, ये आपको और कलर दिख रहे हैं जैसा अभी, ये जो कलर आपको दिख रहे हैं ये सारे कलर इससे अलग हटके और कलर आपको ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से अगर आपको डॉटेड लाइन लेना चाहते हो, मान लीजिए इस तरह की लाइन भी आप इसके ऊपर रेक्टेंगुलर पे ड्रॉ कर सकते हो, एक डॉटेड लाइन बन जाएगी ये, ठीक है। ये डॉटेड लाइन इस तरह से आप यहाँ पे डैश पे ले सकते हो। ये क्लियर हो गया सभी को, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट दे रखे हैं, ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इफेक्ट, 3D इफेक्ट जो होते हैं, शेडो इफेक्ट होते हैं हमारे पास, ये हमारे सभी इफेक्ट यहाँ पे हमें दे रखे हैं, ठीक है जी। शेडो और 3D इफेक्ट में हमें दिखा रखा है यहाँ पे, आप देखिए शेडो जो है, मान लीजिए हमने जो रेक्टेंगुलर लिया उसके बैक में बिल्कुल शेडो दिखा रहा है, हल्की सी शेडो दिखा रहा है, हर एक रेक्टेंगुलर के पीछे कुछ ना कुछ शेडो दिखा रहा है। लेकिन जो हमारे पास इफेक्ट है 3D टाइप में, वो हमें कुछ इस तरह से दिखाएगा, एक बॉक्सिस टाइप में, मान लीजिए इसको एक बॉक्सिस टाइप में ये हमें इफेक्ट को दिखा रहा है कि एक बॉक्सिस टाइप में इफेक्ट है। 3D इफेक्ट में ये आ जाएगा और जो हमारे शेडो है उसके पीछे ये चीज आ जाएगी, मीन उसकी परछाई हमें दिखना शुरू होती है पीछे से कि हाँ ये शेडो के टाइप में हमने इसको यूज किया है। और ये हमारा है जो ये 3D टाइप में है, ये 3D टाइप में मीन्स एक बॉक्स के टाइप में हमें इसको बनाया है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अगर मान लीजिए मैं आपको अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा इसके अंदर, MS वर्ल्ड के अंदर हम एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा। मान लीजिए हमने इस बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है, कोई भी बॉक्स ले लीजिए आप, एक बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे जो इसके अंदर रिटर्न का वर्क है वो कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट टेक्स्ट इन ए शेप, मान लीजिए अब मैंने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिखना है तो हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर के ऊपर ही हम राइट क्लिक करेंगे, आई बात समझ में, रेक्टेंगुलर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे वहां से आ जाएगा हमारे पास ऐड टेक्स्ट। आप देख रहे हैं और भी ऑप्शन आ रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट ऐड टेक्स्ट ग्रुपिंग ऑर्डर हाइपरलिंक, तो ये इस तरह से हमारे पास काफी ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन हमने इसको नहीं यूज करना है सभी को, हमने ओनली यूज करना है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हम यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट तो ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए हमने रेक्टेंगुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, लेकिन जब रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद उसमें लिखने का ही नहीं हमें पता होगा तो कैसे लिख पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे किसी भी एंगल पे, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर है, ट्रेंगुलर है, कोई भी शेप है, तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके ही हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी मैटर, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके अंदर हमें पिक्चर दे रखी है, इंसर्ट ए पिक्चर। अब हमने शेप पढ़ लिए हैं, 3D इफेक्ट पढ़ लिए हैं, शेडो पढ़ लिया है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ आ जाता है पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन वैसे ही दे रखे हैं, होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, वहां पे
शेप से थोड़ा पीछे, अगर दो स्टेप पीछे आएंगे तो वहां पिक्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है जहाँ पे, वहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर हमें शो हो जाएगी, इंसर्ट पिक्चर शो हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे, अगर आपके पास इंसर्ट पिक्चर शो नहीं होती, डेस्कटॉप आता है या डॉक्यूमेंट आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, सभी को ये शो हो रहा है, यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की पिक्चर जो है ड्रॉ हो जाएगी, मीन शो होना शुरू हो जाएगी। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर पिक्चर हैं, अगर आप अपने डिस्क से लेना चाहते हो तो लोकल डिस्क से ले सकते हो, सी डी ई जो भी डिस्क आपकी बनी हुई है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। अगर आप इनकी जगह पे अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे डिस्क में जाके आप इसको ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से पिक्चर हमारी ड्रॉ होती है। इसी सेम प्रोसीजर एक क्लिप आर्ट होता है हमारे पास, ये क्लिप आर्ट है एक हमारे पास। क्लिप आर्ट में क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कंप्यूटर के अंदर इमेजेस होती हैं, सर्च कर सकते हो क्लिप आर्ट में से कुछ भी। ये आप यहाँ पे साइड में देख भी पा रहे हैं, ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे सर्च के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई भी चीज में सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर सर्च किया था तो कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे आ गई और मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है सभी को? तो ये इंसर्ट से हम कोई भी चीज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है हमारा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो वर्ल्ड आर्ट। लास्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट में क्या है कि इसके अंदर हम आप कोई भी असाइनमेंट फाइल जैसे हम सबमिट करवाते हैं तो उसकी शेप हम यहाँ पे दे सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हर एक टाइप में ऑप्शन दे रखा है, कोई भी इफेक्ट आप इस पर डाल सकते हैं। ठीक है जी, आप इसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा एक प्रेजेंटेशन के लिए भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को समझ में आ चुका होगा जो हमारा एमएस वर्ल्ड के बारे में था टॉपिक, वो आज हमने पढ़ा। तो ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सेंड कर दिए जाएंगे आपके पास जो भी हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।